इधर पंजाब के किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने भी साफ कर दिया कि जब तक सरकार किसानों से केस वापस नहीं लेती है तब तक धरना जारी रहेगा। थोड़ा विस्तार में बताएं किस प्रकार से चर्चा हुई, क्या रहा? देखिए, आज की मीटिंग जो हुई उसमें केसेस को लेकर चर्चा हुई। किसानों के संगठनों के नेताओं का, नुमाइंदों का ये फर्म व्यू था कि जब तक किसानों के ऊपर केस हैं, किसी भी तरह के केस हैं, किसी भी संस्था के केस हैं, किसी भी इंडिविजुअल के केस हैं, जब तक वो केस वापस नहीं होंगे तो धरना नहीं उठेगा। आपने कहा कि सरकार को आपने 2 दिन का वक्त दिया है, इससे पहले भी आपने एक उनको लेटर भेजा था, इस बार क्या उसका कोई जवाब आया? एक तो सवाल ये, दूसरा ये, इस बार क्या फिर से कोई मेल किया है आपने? कैसे उनको इन्फॉर्म किया है? हमारी डिमांड ये है कि बैठकर हमें एक तरह का विश्वास में लेके ये बताया जाए कि केस वापस होंगे। अगर ये विश्वास हमको नहीं मिलेगा तो किसान बाद में जेलों में रहेंगे, कोर्ट्स में रहेंगे, कचहरियों में वो बेचारे घूमते रहेंगे। ये किसानों की हालत हम नहीं बनना देना चाहते। अच्छा, इधर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल किसान नेता शिव कुमार कक्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सरकार को इन मांगों पर पहले भी पत्र लिखा गया था लेकिन अभी तक कोई लिखित जवाब नहीं मिल पाया। बैठक में क्या निर्णय लिया गया है आगे? देखिए, ये उम्मीद जो कर रहे थे लोग वो नादानी कर रहे थे। मुकदमे हैं किसानों पर 75,000, उनके बगैर कैसे उठ जाएंगे हम? शहीद हैं हमारे 703, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो कैसे उठ जाएंगे हम? तो ये उम्मीद कौन कर रहा था मुझे पता नहीं है। हमारा संकल्प था, पहले से भी है, आज भी है, जब तक हमने जो 21 तारीख को पत्र लिखा था उसमें 6 मांगे, उनका निराकरण नहीं हो जाता धरना किसी भी सूरत में नहीं उठेगा। 5 सदस्य कमेटी जो बनाई गई है वो किस तरीके की अपना पक्ष रखेगी? क्या सरकार के पास जाएगी या सरकार उनसे बातचीत करे और अगली मीटिंग होगी? देखिए, सरकार ने 5 लोगों के नाम मांगे थे, हमने 5 नाम तय कर दिए हैं। अब आगे सरकार को तय करना है कि सरकार कब बुलाती है, क्या बैठती है, सरकार का क्या रुख है। हम अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि हमको MSP पर गारंटी का कानून चाहिए। बिना इन 6 मांगों के पूरी होने के आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे? किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे यहाँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।